पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अपनी नई पारी शुरू करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। बाबर आजम अपनी मामा की बेटी से शादी करने वाले हैं। एक खबर के मुताबिक बाबर आजम अगले साल अपने मामा की बेटी से निकाह करेंगे। दोनों परिवार आपसी सहमति से इस रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं। ये रिपोर्ट उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान अजहर अली ने बाबर आजम की टांग खींची। दरअसल ट्विटर पर अपने फैंस के साथ सवाल जवाब के सेशन में एक फैन ने अली से पूछा कि उनके पास बाबर के लिए कोई खास सलाह है। तब अजहर अली ने बाबर आजम को शादी करने की सलाह दी। इसके बाद ये खबर सामने आई कि बाबर आजम अपनी ममेरी बहन से शादी करने वाले हैं। विवादों में फंस चुके हैं बाबर आजम। नवंबर 2020 में हमजा मुख्तार ने बाबर आजम पर कई संगीन आरोप लगाए थे। लाहौर की इस लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और अपनी FIR दर्ज कराते हुए कहा था कि बाबर आजम ने उनका यौन शोषण किया और शादी का झूठा वादा करके उनके साथ रेप करता रहा। हालांकि बाद में खुद उस लड़की ने शिकायत वापस लेते हुए पाकिस्तान के कप्तान को निर्दोष और खुद को भड़काए जाने की बात कही थी। दुनिया के नंबर एक वनडे बल्लेबाज बाबर आजम इस समय पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में कप्तान हैं। 2019 वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद से कप्तानी वापस ले ली गई थी। अजहर अली को टेस्ट की कमान जरूर सौंपी गई थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी बाबर आजम को दे दी गई है, जिसे वो बखूबी निभा रहे हैं। बाबर आजम बतौर कप्तान अपने शुरुआती 4 टेस्ट मैच जीतने वाले पाकिस्तान के पहले कप्तान भी हैं। और अब खबर आ रही है कि अगले साल पाकिस्तान का ये कप्तान शादी करने वाला है।